ये देखिए जी, कितनी कमाल की और ख़स्ता शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ हमारी तैयार हुई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख़स्ता और बहुत मज़ेदार हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज हम शॉर्ट ब्रेड कुकीज़ बनाएंगे जो बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताता जाऊँगा। एक बाउल में हम मक्खन ले लेंगे, मक्खन रूम टेम्परेचर का बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अब हम पीसी हुई चीनी डाल लेंगे और एक विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से फ्लफ़ी और नरम होने तक इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसके साथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अच्छी तरह से इसको फ्लफी करना है। ताकि जो भी अच्छे से हो चुका है, अब इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे और साथ में कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे ताकि दोनों को अच्छी तरह से हम छान लें। इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे, इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। इसको उंगलियों की मदद से जो प्रेस करते जाएंगे ताकि ये एक जान हो जाए। ये अब एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और उसमें ब्राउन पेपर या बटर पेपर लगा के इसको अच्छी तरह से इसमें फैला देंगे हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से। ये सारा हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आप छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से सारे जो है हमने बना लेंगे, इसको कट कर लेंगे और दरमियान में से भी कट कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट साइज़ जो है वो बिस्किट का आ जाए। कट करने के बाद अब एक स्टिक के साथ हम इसमें सुराख कर लेंगे ताकि एक अच्छी शेप भी आ जाए। और इसका सुराख करने का ये फ़ायदा होगा कि ये ऊपर इसको स्पेस नहीं मिलेगी ऊपर आने की और ये बिल्कुल अच्छे और ख़स्ता बिस्किट जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सारे हमने कर लिए। अब इसको 160 डिग्री पर 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको अब बेक करेंगे। ये कुकीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको ठंडा होने के बाद हम निकालते हैं। ये बहुत कमाल का इनका कलर आया है। अब हम पेपर को ऊपर उठाएंगे और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगी। ये बहुत कमाल का इनका कलर आया है और अब इसको तोड़ के चेक करेंगे। बहुत खस्ता और लाइट शुगर जो है इसका टेस्ट है। बहुत कम मीठा है और बहुत खस्ता है। ये देखें कितनी ज़्यादा खस्ता है, दो उंगलियों से टूट रही है। बहुत कमाल के बिस्किट जो बन के वो तैयार हो चुके हैं। अगर
आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये हमें ज़रूर बताएं कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने।